see me if you are able to hear me. Please make some noise. Come on, guys. Hi everyone. Hi everyone. हेलो गाइस, हाय, आई एम गुड नारायणा, हाउ आर यू गाइस? अगर मुझे सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, सो प्लीज मेक सम नॉइस एंड गाइस गिव मी अ फीडबैक. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? आज कुछ ऑडिबिलिटी का इशू आई थिंक. अभी जस्ट नाउ विद दिस, बिफोर दिस वी हैड अ सेशन, दैट इज वेयर आई डिडंट फाइंड माई साउंड, एज इन देर वॉज सम बैकग्राउंड नॉइज इन द वीडियो. एम आई क्लियरली ऑडिबल गाइज? बैकग्राउंड में कुछ नॉइज तो नहीं आ रहा है? क्लियरली ऑडिबल? आई एम नॉट बोगैम्बो, आई एम मोगैम्बो. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड गाइज. थैंक यू फॉर द फीडबैक. अ क्विक फीडबैक वॉज नीडेड. आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन. वेलकम 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 गाइज, वेलकम बैक. आज बहुत दिनों के बाद में आई एम बैक विद अ मेंटी क्विज. आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द मेंटी क्विज गाइज? आई एम गुड अनुराधा, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाई जुगराज, राशि, ऋतिक, ऋतिका इनफैक्ट, आदित्य, सारस्वत, दीक्षिता, राशु, अतुल, आयुषी, आयरन मैन इज हेयर. वेरी गुड आयरन मैन, गुड टू हैव यू. एज आई सेड, अभिषेक, नारायणा, हृदय, काजल, तेजपाल. सो गाइज, टेल योर फ्रेंड्स क्विकली. ओको ओके ओको. सी, आई एम कॉन्शियसली ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी बिकॉज ऑफ विच ऑल द प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, बट दैट्स द एफर्ट दैट आई एम ट्राइंग टू डू. ओके, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट्स बीन फॉर मी टू हैव रिटन हिंदी? डू यू गाइज नो दैट? टेक अ गेस, वेन वॉज द लास्ट टाइम आई रोट समथिंग इन हिंदी और एनी एग्जामिनेशन आई गेव इन हिंदी? गेस द ईयर, गेस द क्लास दैट आई वॉज इन. 10 years? नहीं यार, 10 years से ज्यादा हो गया है. इट्स बीन एक्चुअली मोर देन 10 years. सो लास्ट व्हेन आई रोट द हिंदी एग्जामिनेशन इट वॉज 2002, जब मैंने लास्ट हिंदी लिखा था. फनी, आई नो आई नो आई नो, इट्स फनी. वेरी वेरी बैड हैंड राइटिंग इन हिंदी नाउ. इट्स बीन 18 years. नो नो नो, नॉट इवन 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड. 11th स्टैंडर्ड में आई ड्रॉप्ड हिंदी. आई हैड इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, यू कैन से कंप्यूटर साइंसेज आई हैड इन 11th एंड 12th एज अ सब्जेक्ट. तो बहुत डिफिकल्ट है. आई डिलिबरेटली विल ट्राई टू कीप इट द सेशन इन हिंदी प्लस इंग्लिश. अब से मेरे सेशंस हिंदी प्लस इंग्लिश हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक दैट यू गाइज हैव गिवन. दिस विल बी द लैंग्वेज दैट वी विल यूज नाउ, एटलीस्ट फॉर फिजिक्स लेक्चर्स. ओके पीपल, ओके, ऑसम. तो जो लोग चैनल पे नए हैं, लेट मी स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. एज ऑलवेज, दिस इज मी, योर सूरी सर, एंड आई एम एन एलुमनस ऑफ आईआईटी बॉम्बे. और इस चैनल पे स्टूडेंट्स मुझे प्यार से बुलाते हैं मोगैम्बो. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन ऑफ जेई इन द ईयर ऑफ 2020, 21 और 22, मोगैम्बो खुश होगा. ओके, थैंक यू हर्षित, थैंक यू सो मच. और अगर चैनल पे नए हो तो हम जेई 2021 को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किस टाइम हमें यहाँ होना जरूरी है. सो एवरी डे 9 PM यू हैव टू बी ऑन द चैनल फॉर थियरी डिस्कशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. और 8 बजे मंडे, वेंसडे और थर्सडे को हम MCQ सॉल्व करते हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. ओके गाइस, सो डेफिनेटली टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, रिमाइंडर्स लगा लो. और ये टाइमिंग पे आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द चैनल एट 8 o'clock ऑन मंडे, वेंसडे एंड थर्सडे. और हर रोज 9 बजे तो आना ही है. ओके गाइज, उसके अलावा अगर वेदांतु के बारे में बात करें तो 2019 लास्ट ईयर वॉज अ वेरी अमेजिंग ईयर फॉर अस. 7 स्टूडेंट्स टॉप 100 रैंक्स में, ऑल इंडिया रैंक ऑफ जे एडवांस में आए, दे वेंट इट टू IIT. इनफैक्ट अमंग देम वी हैड सुमित जैन एंड चिराग जैन. उसके अलावा ये जो निवेद्या है, ये लड़की भी बहुत ही आई वुड से मोटिवेशनल है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है. बिकॉज शी इन बिटवीन लेफ्ट द होप ऑफ गेटिंग इन टू IIT, बट वेदांतु की हेल्प से शी कंटिन्यूड हर जर्नी, शी कंटिन्यूड हर प्रिपरेशन. और उसने अपना पूरा प्रिपरेशन जो है
उसको एंड तक खींचा एंड शी इवेंचुअली मेड इट टू आईआईटी बॉम्बे विद अ वेरी वेरी गुड रैंक आई वुड से 796 लुक्स लाइक अ रैंक विच इज नॉट टॉप 100 एंड दैट्स व्हाई यू माइट फील कि टॉप 100 रैंक्स ही ऑसम होते हैं बट ट्रस्ट मी गाइस गेटिंग इन टू आईआईटी इज वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट और ऑल इंडिया रैंक 697 भी लाना बहुत बड़ी बात है ओके कंसिडरिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यू नो 10-12 lakh स्टूडेंट्स अपेयर फॉर दी जे एग्जामिनेशन यू नो दैट राइट उसके अलावा गाइस 35 स्टूडेंट्स गॉट 99 परसेंटाइल स्कोर इन जेई मेन लास्ट ईयर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना जो कि बहुत ही रेप्यूटेड स्कॉलरशिप एग्जाम है उसमें वी हैड 20 स्टूडेंट्स गेटिंग सिलेक्टेड एंड इन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स सीबीएसई वी हैड 95 परसेंटाइल प्लस क्लब विद 56 स्टूडेंट्स मेकिंग इट टू दैट मार्क और अगर अभी भी वेदांतु के ऐप पे आप लोग नहीं हो तो फटाफट जाके अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द एप्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे विच यू कैन फाइंड वेदांतु इटसेल्फ इज नाउ प्रेजेंट इन 500 प्लस कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सो मेनी टीचिंग आवर्स एंड सो मेनी हैप्पी स्टूडेंट्स यस इट्स अ मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली ओके गाइस उसके अलावा अगर वेदांतु ज्वाइन करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन यू कैन ज्वाइन ऑब्वियसली प्रो सब्सक्रिप्शन में आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो आपको असाइनमेंट्स और स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं आप टेस्ट सीरीज और एनालिसिस आपको दिया जाता है बट यू नो गाइस व्हाट मेक्स वेदांतु प्रो सो स्पेशल एंड व्हाट मेक्स इट इवन मोर अमेजिंग इज द फ्लेक्सिबिलिटी इट प्रोवाइड्स यू मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि जब आप ज्वाइन करते हो तो द फ्लेक्सिबिलिटी इज what makes it even more awesome what is the flexibility that we are getting flexibility in terms of you studying from any teacher that you want to agar aap mere lectures attend karna chahte ho physics ke chemistry mein agar aap harsh sir ke ya love sir ke sessions attend karna chahte ho maths mein arvind sir ke lectures ke liye aana chahte ho pulkit sir ke lectures ke liye aana chahte ho to aap kisi bhi samay agar hum lectures le rahe hain us time pe aap aakar ke hamare lectures attend kar sakte ho उसके अलावा गाइस लेक्चर्स किस लैंग्वेज में आप चाहते हो हिंदी या इंग्लिश के अटेंड करना चाहते हो वो चॉइस आपके पास में होता है ऑल्सो बहुत बार क्या होता है हमारे स्कूल का या हमारे यू नो बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई चैप्टर की हमें प्रिपरेशन करनी है कोई अगर टेस्ट हमारा यूनिट टेस्ट आने वाला है तो हम उस समय सोचते हैं कि कोई हमें बिठा के बस पढ़ा दे ओके तो ऐसे में माइक्रो कोर्सेस का भी अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है और जब आप जेई का एग्जाम लिखने वाले हो जैसे 2020 स्टूडेंट्स अभी जो हैं उन्हें अनलिमिटेड एक्सेस टू क्रैश कोर्स मिलती है दिस इज हाउ द वेदांतु प्लेटफॉर्म लुक्स लाइक बाय द वे ओके और इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज नॉट रिकॉर्डेड लेक्चर्स बट लाइव सेशंस और इस तरह से बच्चों के एंड पे दिखाई देता है ये जो है दिस इज वेयर टीचर इज विजिबल जैसे पुलकित सर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं चैट आप कर सकते हो टीचर के साथ में क्लास टीचर्स के साथ में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और यहाँ पे कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन हो रहा होता है ओके गाइस सो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस इज द लिंक यहाँ पे जाके क्लिक करना है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहाँ जाके यू विल बी सिलेक्टिंग द स्टैंडर्ड दैट यू आर गोइंग टू स्टडी विद अस ऑन ओके गाइस और उसमें यू हैव टू सिलेक्ट द टारगेट एग्जामिनेशन बी इट जेई और नीट ओके गाइस एंड वॉट आर द सब्सक्रिप्शन विच आर अवेलेबल सब्सक्रिप्शन जो है वो मंथली भी हैं क्वार्टरली भी है हाफ ईयरली भी है और एनुअल भी है डिपेंडिंग अपॉन विच सब्सक्रिप्शन वुड यू वॉन्ट टू गो विद ऑब्वियसली द लॉन्गर बी द सब्सक्रिप्शन मोर इज योर सेविंग फॉर योर पेरेंट्स और अगर इनिशियली ट्राई करना चाहते हो तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन ट्राई कर सकते हो या वन वीक का सब्सक्रिप्शन फ्री भी है वो ट्राई कर सकते हो और उसके बाद में गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन विच इज लाइट ऑन योर पॉकेट ओके पीपल एंड दिस इज द लिंक For the last time, I'm telling you that and available in the description box. और अगर अभी enroll कर लेते हो तो 15% additional discount और avail कर सकते हो by using this coupon code SM Pro. Okay? तो ये coupon code याद रखना है SM Pro और इस coupon code को अगर आप वहाँ पे put up करोगे यहाँ पे SM Pro डाल देना है तो ये course fees change हो जाएगी और आपको 15% discount मिल जाएगा Okay guys? Cool. और अगर वेदांतु के चैनल पे नए हो YouTube चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो प्रेस द बेल आइकॉन ओके जस्ट स्टार्टिंग ऑफ डोंट वरी गाइस एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ओके पीपल तो गाइस लेट्स स्टार्ट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड मेंटी क्विज दिस इज द मेंटी कोड दैट यू हैव टू यूज ओके पीपल राइट नाउ
GoOnMenti.com, अभी के अभी अपने मोबाइल फोन्स या अपने लैपटॉप के Menti.com प्लेटफॉर्म पे चले जाओ. आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी गाइज? इफ यू आर रेडी देन जस्ट गो ऑन Menti.com, Menti.com पे आ जाओ. ओके और Menti.com पे आने के बाद में कोड यूज करना पड़ेगा. व्हाट इज दैट कोड? 9712 88. Come on, people! Quick, 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 everyone! I want all of you to come on the Menti.com platform. Start कर रहे हैं. Let everyone come. अभी भी मुझे बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर Menti पे. Yes, yes, yes. Okay, Harsh. Waiting for everyone. Use the coupon, not the coupon code, but the code 97112. And 88. I know, बहुत हुआ वेट. तो एक मिनट का वेट और सही. ओके गाइज, आर यू ऑल देयर? आर यू ऑल रेडी एवरीवन? शैल वी स्टार्ट? गिव मी अ क्विक यो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी. गाइज, इफ यू आर रेडी, गिव मी अ क्विक यो इन द चैट बॉक्स. ओके, ऑसम. चलो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं. And I have all of you here starting the very first question. Okay, question is, a charged particle moving in a magnetic field experiences a resultant force in the direction of field, in the direction opposite to the field, in the direction perpendicular to the field and velocity, or none of the above. Come on guys, answer in the Menti platform quickly. Guys, quickly, come on, come on, come on, everyone. What do you think is the correct answer? Force ka direction kya hoga? Magnetic force ka direction. I hope you remember the formula. Very good, MNR, and the time is up. Very good. What I see that 46 students gave the answer correctly. Let me show how exactly that is going to be. Correct answer is yes, option C, in the direction perpendicular to both velocity and field, because force ka jo formula hai wo hai Q V cross B. Last time maine bataya tha, aur ye hame batata hai ki velocity aur magnetic field jo vector hai, jo force vector hoga wo in dono se hi mutually perpendicular hota hai. Okay, सो फोर्स का जो वेक्टर है वो दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ओके पीपल, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. सो गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड एवरीवन, दोज हु गॉट द आंसर राइट. ओके पीपल, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी. ओके या लीडरबोर्ड, मैं भूल ही गया था कि लीडरबोर्ड भी होता है. वेरी गुड. सो बेस्ड अपॉन द प्रीवियस क्वेश्चन, वी हैव पिंगू द फास्टेस्ट वन, देन वी हैव लव साइट, केक, दिया, द हसलर, जस्ट पीएच, प्रेम, मोंटाना, अभिनव एंड सकूरा. ओके कूल गाइस, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. लीडरबोर्ड भी देख लिया हमने. सो गाइस, क्वेश्चन इज, Particle having positive charge occasionally comes with high velocity from the sky towards the earth. Due to magnetic field of earth, they would be deflected to which direction? तो velocity जो है positive charge की वो vertically downward है. Magnetic field का direction जो होता है वो south to north होता है. Okay guys, magnetic field का direction south to north होता है. Okay everyone, उसके according Q V cross B apply कर दो and get the answer. Okay, coming to an end now and let's see what do we have. Okay, 24 people got this answer right and let's see the leaderboard. तो यहाँ पे कुछ changes होने वाले हैं. Let's see. Okay. Very good.
tables have moved. Now we have Raj on top, then we have Just PH, then Aslam at the third position, followed by Jaslina, Sai, Siddharth Reddy, Harshit, Manisha, Avinash, Puffy and Anil. So guys, ये जो question है, okay? इस question का answer है east. उसका reason ये है कि जो charge particle है, it is falling downward. That means this is the direction of velocity. This is the direction of velocity. और earth के ऊपर अगर बात करें, if this is your earth, तो earth पे magnetic field का direction जो है towards north है. ये east है, ये south, sorry, ये west है और ये south है. तो इसके अकॉर्डिंग इफ यू विल गो बाय राइट हैंड पाम रूल और मे बी बाय राइट हैंड थंब रूल, तो वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जब रोटेट करते हैं हम लोग, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज वी क्रॉस बी. तो वेलोसिटी इज इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स नॉर्थ. दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन दैट यू विल गेट, दैट योर थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स ई. एंड इफ यू वॉन्ट टू गो बाय राइट हैंड पाम रूल, यूज योर ओन राइट हैंड. Fingers are the direction of magnetic field which is pointing towards north. That means point that towards the direction of the screen. This is the direction of the charge particle's velocity. So east is the direction which we are getting. Agar screen ke point of view se jana chahte ho to fingers ko upar ki taraf point kar do aur velocity jo hai that is pointing towards the screen. So the face of the palm is pointing towards the right side. Okay everyone, so the direction of force on the positive charge comes out to be towards the east. Agar yahi negative charge hota तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट आ जाता. ओके एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. दिस क्वेश्चन सेज, ओके लुक एट योर फोन गाइस, वी हैव दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है, हमें चार्ज और मास का वैल्यू दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है. तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से हमें वेलोसिटी मिलेगी. MeV इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके कम ऑन गाइस, कम ऑन एवरीवन. एंड द लास्ट 3 seconds रनिंग हियर, लेट्स सी. ओके गुड, so we have 38 students who got this right. Very good. Let's see the leaderboard. Leaderboard mein kya changes hain is baar, wo dekh lete hain. And we have just PH reaching at the top, followed by Raj, then Jaslina. Congratulations to top 3. But then we have Sai Reddy, Harshit, Puffy, Avinash, Sai, PLK and Pradyumna. Very good. So guys, quick way of solving this question. तो देखो, kinetic energy जो है वो half mv square होती है. तो यहाँ से velocity हमें मिल जाएगी 2k by m in under root. और क्योंकि हमें दिया हुआ है कि velocity जो है वो vertically downward है और magnetic field south to north है पिछले वाले question की तरह, तो यहाँ पे जो force होगा that is qvb sin 90. Okay guys, तो charge वेलोसिटी हो जाएगी 2k by m और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें पता है. सो पुट अप द वैल्यू ऑफ चार्ज एज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 3/2. इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है ऑप्शन बी. ओके परफेक्ट. ओके गाइस, मूविंग ऑन टू दिस वन. ओके सॉ द आंसर. ओके एवरीवन, कूल गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट स्ट्रॉन्ग, a strong magnetic field is applied on a stationary electron, then the electron moves in the direction of field, the electron moves in an opposite direction, the electron remains stationary, the electron starts spinning. What will happen? So if the electron is stationary and then you apply a magnetic field, then what will happen to the electron is what you have to answer.
Come on, guys. Okay, time's up. Let's see, everyone. Okay, electron remains stationary. Answer to ye hai, 32 students got this right. But why so? That I will tell you. Let's first see the leaderboard. Okay, looks like Harsha is the fastest one. And Harshit has come on top with Jaslina on second position. And now Sai Reddy is on third position. Tables are turning, guys. Come on. Very good competition. Meetu, Avinash, Aslam, Pradyunma, Just PH. What happened, Just PH and Raj? Come on, guys. Harsha is also now, he was the fastest one. Okay. So, guys, let's move on and see how the answer comes out to be this. Question is, a strong magnetic field is applied on a stationary electron. Stationary electron ka matlab hai velocity zero hai. तो अब अगर मैं फोर्स कैलकुलेट भी करूंगा तो क्यू वी बी साइन थीटा में वी का वैल्यू ही जीरो हो जाएगा, और अगर वी जीरो हो गया तो स्टेशनरी पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता है. ओके, रिमेंबर दैट फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स द चार्ज पार्टिकल मस्ट मूव. ओनली ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल यू कैन एक्सपेक्ट अ मैग्नेटिक फोर्स टू बी अप्लाइड. ओके गाइस, ओके कूल. I hope it's understandable, everyone. Okay, awesome. Next question. Okay, guys, have a look at this. This says that a charge particle is moving with velocity u in a magnetic field of induction B. The force on the particle will be maximum when u and B are in the same direction, when u and B are in opposite direction, when u and B are perpendicular, or when u and B are at an angle of 45 degree. So velocity or magnetic field ke beech mein kya angle hona chahiye in order to give the maximum force on the charge particle? Come on, guys, what do you think? Very nice. This time it's a much better performance. 60 students got this right. Let's see the leaderboard. Okay. Very good. Harshit, Sai and Avinash on top three position, followed by Aslam, Jaslina, Meetu, Just PH, Pradyunma, Rajsha and Harsha. Harsha, you are still the fastest, but still at the bottom. Come on, try harder. Okay. सो गाइज, आंसर अभी भी वही है, पूरा लॉजिक वहीं पे लाई करता है. एक ही तो फॉर्मूला अभी तक हमने देखा है इस चैप्टर में, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा. तो अगर क्यू वी बी और ये वैल्यूज चेंज नहीं होने वाले हैं और सिर्फ थीटा को चेंज कर सकते हो, तो थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, व्हेन योर एंगल विल बी 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू विल बी मैक्सिमम एंड दैट वैल्यू इज 1, एंड दैट इज व्हेन वी कैन से दैट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, if they are perpendicular to each other, the force acting on the charge particle will be maximum. Okay. Afsar Mehtab, all you have to do is go on menti.com. Jo log abhi bhi participate nahi kar pa rahe hain, go on www.menti.com aur wahan pe jaake coupon, ek code use karna padega. menti.com pe jao quickly. और वहां जाने के बाद में जो कोड यूज करना है 971288 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज. ओके कूल गाइस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. ओके, सो अ चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, मास, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड. ऑन विच ऑफ दीज डू यू थिंक योर मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन? कम ऑन गाइज, यू जस्ट पार्टिसिपेट ऑन द मेंटी क्विज, डोंट इन्वॉल्व और गेट इन टू एनी डिबेट विद एनी वन. आर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न. ओके, दैट्स गुड गाइज, दैट्स गुड. And the time is up. I'm expecting majority to get this right. And yes, people have. So the force acting on a magnetic
on a charged particle in magnetic field does not depend upon mass. By now I am expecting everyone to remember the formula as well. Okay. Okay, let's see. Tables kaise turn ho gaye hain. Harshit, very good. You are maintaining your lead. I'm really happy. Avinash and Sai Reddy. Then Aslam, Meetu, Just PH, Jaslina, Pradyumna, Raj and Harsha. Very good, very good. So guys, again, same story. F is equal to QVB sine theta. So it depends on charge. It depends on mass. Sorry, it depends on charge, velocity and magnetic field. But nowhere the formula depends on the mass of the charged particle. Okay, so cross ka matlab, it does not depend on it. So correct answer is definitely your mass of the charged particle. It does not depend on that. Okay guys, cool. Next question. Jaldi se menti.com pe jao, 971288. So guys, what do you think is the formula for Lorentz force? Which of these is the formula for Lorentz force, guys? Come on. All the options are there. Lorentz force is when you have simultaneous magnetic and electric force acting on a charged particle. Website hai www.menti.com. Ye hai wo website. Okay. www.menti.com pe jana hai. Aur code jo use karna hai, wo code bhi yahan pe likha hua hai, 971288. Okay. Very good. 64 students got this right. That's very good. तो अब देखते हैं क्या changes आ गए हैं leaderboard में. So I see Harshit, Avinash and Aslam are the top three. Then we have Just PH, Raj, Harsha. Very good. Good to see you moving up, Harsha. But what happened, Sai Reddy? It's okay. Pradyumna, Elsa and Anil. Very good guys, very good. So what does the question say? Lorentz force pata lagana tha. To dekho yaar, forces kya hai? Electric force hota hai QE aur magnetic force hota hai QV cross B. To agar ye dono simultaneously act karenge to in dono ka resultant jo hoga, the resultant of these two forces is what we call as the Lorentz force. And that is when I take Q common, it will be E plus V cross B in the bracket here. Okay guys, so answer is option A. Okay, very good. Next question guys. So question is, an electron enters a magnetic field whose direction is perpendicular to the velocity of electron. तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है. सो द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नॉट चेंज. व्हिच ऑफ दीज ऑप्शंस डू यू थिंक इज राइट गाइस? इट्स ओके जुगराज, मिस क्लिक हो गया, कोई बात नहीं. तो व्हाट विल हैपन टू द स्पीड और द वेलोसिटी एज पर द ऑप्शंस? अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड से, कम ऑन गाइस, लास्ट 3 seconds एंड द टाइम इज अप. ओके, तो मिक्स है यहां पे. कुछ लोगों को लगता है कि फोर्स लगने वाला है तो स्पीड बढ़ना चाहिए, और जो सही लोग हैं जिनका आंसर करेक्ट है, दे आर राइट कि स्पीड को कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है. ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट इन सम टाइम. पहले लीडर बोर्ड दिखा देता हूं. ओके, very good. We have Harshit still leading, then we have Aslam, Avinash, Harsha, Pradyumna, Sai Reddy, Sudarshan, Just PH, PC and Sanskar. Okay, theek hai doston. To dekho, question bolta hai ki electron jo hai wo magnetic field se velocity aise enter karta hai ki velocity aur magnetic field perpendicular hai. To dekho yaar, force jo hai uska jo expression hai QVB sin theta, उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर आने वाला है. और ऐसे में अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे या वर्क डन पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो एफ डॉट वी आएगा, और एफ डॉट वी यानी कि पावर का वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगा, बिकॉज इट इज
परपेंडिकुलर, सो दोनों वेक्टर जिनका एंगल 90 डिग्री हो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, और यू कैन से एफ इंटू वी इंटू कॉस 90 विल कम आउट टू बी जीरो, विच सिंपली मीन्स द फोर्स विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क. बिकॉज ऑफ दैट द चार्ज पार्टिकल विल ओनली बी एबल टू, रादर द फोर्स विल ओनली बी एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, इट विल नॉट बी एबल टू एक्सेलरेट इट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पीड. तो जो भी पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन चेंज करता जाएगा, वो ऐसे पार्टिकल ऐसे डायरेक्शन चेंज करता चला जाएगा, लेकिन उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी हर एक पॉइंट पे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम लोग इसका थियरी पढ़ने वाले हैं तब मैं बताऊंगा कि हाउ द चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज वैलिड देयर. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, द मिनिमम यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव. What is the minimum velocity with which your electron can move along a straight line? मतलब undeviated जा सके ऐसा कब होगा और कितनी minimum speed के साथ में electron एक straight line में move कर सकता है in a straight line. First of all you should be able to you know decipher की straight line motion के लिए वॉट शुड बी द कंडीशन, और अगर वो कंडीशन मिल गई तो उसके बाद तो बहुत ईजिली हम पता लगा पाएंगे कि वॉट इज द मिनिमम स्पीड विद विच योर चार्ज पार्टिकल शुड बी मूविंग. ओके गाइस, थैंक यू सलोनी, माई प्लेजर, आई एंजॉय, आई लाइक मीटिंग यू ऑल. Okay, that's why I do this. Very good. Okay, guys, time's up. देखते हैं कितने लोग पता लगा पाए. Okay, 36 students could get this right, and the leaderboard. Looks like tables are going to change. No, they did not. Very good. Harshit, Aslam, Avinash. Then we have Pradyunma, Sai Reddy, Sudarshan, Harsha, Raj, Prem and Sambhav Jain. So guys, ये question में सबसे बड़ी बात यह है कि एक चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड्स के होते हुए भी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस पर लगने वाला क्यू ई उस पर लगने वाले क्यू वी बी से बैलेंस हो जाना चाहिए. सो इफ क्यू ई इज बींग बैलेंस्ड बाई क्यू वी बी, क्यू गेट्स कैंसिल, द वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू ई बाई बी. So what is the value of electric field? It is 1500 volt per meter and this is 0.4. एक और decimal हटा के यहाँ पे लगा देते हैं. What do I get? I get it as 3.75 into 10 to the power 3 meters per second. Okay guys, that's the answer that you will get. Okay. Okay. Next question for all of you. So in a region, steady and uniform electric and magnetic field are present. These two fields are parallel to each other. So the charged particle is released from rest in this region. The path of the particle will be. तो एक stationary particle को रखा है हमने parallel electric और magnetic field में. What do you think will be the initial path of the particle? In fact, what will be the particle's trajectory? Okay. Okay, time's up. Logical sa question hai. Very good. Not helix, not helix. It will be straight line. Okay. Okay, is baar lag raha hai tables bahut turn hone wale hain. Tables mein bahut shuffling hogi. Okay. And turns out Harshit has won this Menti quiz. Very good, Harshit. Congratulations. Congratulations. Very well done, Harshit. Keep it up. In fact, Avinash, Pradyunma, Sai Reddy, Aslam, Harsha, Raj, Sambhav, Diya, Sudarshan. Everyone, congratulations. You guys did well. And in this question, we have our electric field and magnetic field both parallel. So, if a charge particle is stationary, if there is a charge particle which is stationary, so उसका वेलोसिटी जीरो है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिस चार्ज पार्टिकल विल बी स्टार्टिंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, पर उसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, विच मीन्स वेलोसिटी विल बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इवेंचुअली. सो दैट मीन्स साइन थीटा का वैल्यू जीरो ही रहने वाला है. सो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो ही रहने वाला है. सो पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके पीपल, नाउ फॉर दोज पीपल हु आर न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म, we keep on doing these sessions. अगर पुराने sessions आप cover करना चाहते हो, if you have missed out on the sessions that we have already done, we recently started with magnetism unit. इससे पहले हम electrostatics और current electricity cover कर चुके हैं. If you want to cover up all those topics, all you have to do is look for channel playlist. And which playlist are we talking about? We are talking about this playlist, that is Jeet Low 2021. Channel पे subject wise playlist है. You'll find each and every chapter, each and every subject to cover up, and do cover it up quickly so that you can come to live classes and understand everything which is going on in my sessions. Or agar koi bhi student JEE 2020 aspirant yahan pe hai at this moment, jinka examination September mein hone wala hai, or just for you guys, you know, new crash course has begun today. Aaj hi naya crash course Vedantu platform pe shuru hua hai doston. So if you are still looking for a course, still looking for a forced routine, अभी भी अगर अपने scores, अपने performance को improve करने का enthu है, so all you have to do guys is go on this link which is available in the description box. जब वहाँ जाओगे तो एक page पे direct किया जाएगा, वहाँ जाके you have to use this coupon code SMCC. So if you use this coupon code, the course which is actually worth rupees almost 25,000 could be yours for just under 3,000 rupees. Okay guys, और अगर Telegram channel पे अभी तक नहीं आए हो जहाँ हम assignments, study material और daily updates share करते हैं, so do follow this link which is available in the description box, और Telegram channel पे आ जाओ. Okay everyone, I hope you guys enjoyed the mentee quiz. Okay, मजा आया guys. Do tell me how do you guys like me speaking in Hindi in the comment section. Tell me this in the comment section. और अगर इस वीडियो में मजा आया है, so do press the like button, share with your friends and subscribe and press the bell icon so that whenever Mugambo comes live, you get the notification. Cool guys, so I'll see you again tomorrow. कल मिलते हैं 8 बजे. Tomorrow 8 o'clock there'll be a quiz for 2022 students. Tomorrow I'll see you. Okay, when do we meet again tomorrow? Tomorrow at 8 p.m. live. Okay guys, so see you all tomorrow at 8 p.m. Till then, keep studying, keep enjoying physics. More importantly, stay safe. Bye-bye everyone. Take care.